बॉयज वेलकम टू यू विज रिव्यू। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इन बोट एयरडॉप्स 171 के बारे में। तो यार मेरे पास ये 3-4 दिन से हैं, मैं इनको 3-4 दिन से यूज कर रहा हूँ। और पहले आप देख लो यार अनबॉक्सिंग की क्लिप, फिर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन इनके बारे में दूंगा कि क्या इनकी अच्छी बातें लगती हैं मुझे और क्या बातें इनकी मुझे खराब लगती हैं। ये देखिए, ये है बोट एयरडॉप्स 171 का बॉक्स। सबसे ऊपर इनकी फोटो है, लिखा हुआ है IPX4 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट, इंस्टेंट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऊपर एयरडॉप्स, फिर मूव विद द स्वे, और साइड में सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंट, मल्टीफंक्शन बटन, और 3 आवर बैटरी लाइफ, 380mAh बॉक्स, डायनामिक ड्राइवर 6mm के, और ऑडियो के बारे में ड्यूअल टोन कलर्स, बोट एयरडॉप्स 171 ब्रांडिंग, और बस। और पीछे है इसकी और कुछ स्पेसिफिकेशंस, और लिखा है इसका प्राइस जो कि यहाँ पे गलत है। तो बस फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पे है मेन सील, इसे भी ब्रेक कर लेते हैं। तब हो चुका है हमारा बॉक्स ओपन। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है 1 ईयर का वारंटी कार्ड, और फिर रखे हुए मिल जाते हैं आपको ये एयरडॉप्स। इनको रख लेते हैं एक बार साइड में। और ये क्वेश्चन है फॉर्म, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो। और नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें क्या है, इसमें शायद चार्जिंग केबल होगी। जी हाँ, एक छोटी सी चार्जिंग केबल है, और है कुछ एक्स्ट्रा बड्स, ये टाइप माइक्रो यूएसबी है, यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी। जी हाँ, और ये एक्स्ट्रा बड्स सब लोगों के ईयर साइज के हिसाब से। और इस छोटे से बॉक्स में आपको देखने को मिल जाती है लैब मैनुअल या इंस्ट्रक्शन मैनुअल पेपर फॉर्म में। काफ़ी लंबी है यार, इतनी लंबी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, आपको इसे एक बार जरूर पढ़ना होगा। और ये क्या है, ये प्लग इन टू निर्वाणा बोट के और ज्यादा प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग है। तो बात कर लेते हैं मेन एयरडॉप्स की। ये है मेन एयरडॉप्स, चल इसके कवर को हटाते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है बोट, और नीचे कुछ डिटेल्स। और अब खोलते हैं इसको, 1 2 3 गो। वाओ मस्त है यार, ड्यूअल टोन में काफी मस्त है। ये थी अनबॉक्सिंग की क्लिप यार, अब रिव्यू तो मैं इनको अच्छे से यूज करने के बाद ही दूंगा, तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यार अब बात कर लेते हैं इनके ओवरव्यू की। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखा मिल जाता है बोट, ये टिपिकल कैप्सूल डिजाइन में आता है मैट फिनिश के साथ। मेरे पास कलर अवेलेबल है एक्टिव ब्लैक, और इसके पीछे आपको देखने को मिल जाता है यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, और नीचे लिखे हैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स। तो यार अगर रही बात स्पेसिफिकेशंस या फिर प्राइस की, वो तो मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो यार अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में कि मुझे ये ईयरबड्स या ईयरडॉप्स कैसे लगे। तो पहले यार अच्छी बातों से शुरुआत कर देते हैं, और ईयरबड्स हैं तो ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी से ही शुरू करते हैं। तो यार साउंड क्वालिटी तो काफ़ी तगड़ी है, मैं बोलना चाहूँगा पर्सनली मेरे को काफ़ी सही लगी साउंड क्वालिटी। और सेकेंड आता है यार इसका लाइट वेट, जो कानों में मतलब बिल्कुल फील नहीं होता है कि ये मतलब थोड़ा भी बल्कि फील नहीं होता है। एक बार जैसे मान लो अच्छे से फिट हो गए तो अभी गिरने का कोई भी चांस नहीं है, मैं कितना भी ऐसे सिर को हिलाऊं ये अभी गिरेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो यार अब माइक क्वालिटी का अंदाज़ा आप खुद लगा लेना, क्योंकि अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इन्हीं ईयरबड्स या एयरडॉप्स से आ रही है। तो यार अब बात कर लेते हैं इनके चार्जिंग टाइम की, जो कि है ऑलमोस्ट 2 आवर्स। और यार ये सच में 2 आवर्स ही है, मैंने इनको चार्ज किया, जब भी 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी की, जो कि यार बहुत ही ईजी है, अच्छे से कनेक्ट हो जाती है, ऐसा सच मेरे को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। बस आपको लिड ओपन करनी है, ग्रीन लाइट मतलब कनेक्ट होने के लिए तैयार है बिल्कुल। और अगर आपको डिस्कनेक्ट करनी है तो इसको वापस बॉक्स में डाल के बॉक्स को बंद कर दो, इसको लिड क्लोज कर दो, फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, पर मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली।
तो यार प्लेबैक टाइम तो आपको अराउंड 13 आवर्स देखने को मिल जाता है जितना कंपनी क्लेम करती है। और अब अगर बात करें बेस और नॉइस कैंसिलेशन की तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल, 1800 रुपए के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बेस और नॉइस कैंसिलेशन है इसका। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको ज़्यादा बेस नहीं सुनना तो इसको नॉर्मल अटका लो जैसे मैं अटकाता हूँ, और अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन और बेस चाहिए तो इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ डाल लो। और अगर आपने ऐसे दोनों ईयरबड्स को डाल लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम बाहर की आवाज़ सुनाई देगी और काफ़ी तगड़ा बेस मिलेगा। तो यार अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को खोला है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स। तो यार सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि ये पेनफुल इन ईयर है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसको अपने कान में लगा कर रखते हैं तो ये आपके कान में दर्द कर देगा। अब ये पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है या आपके साथ भी होता है, तो यार ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वो पेनफुल इन ईयर आपके लिए भी है या सिर्फ मेरे कान में कोई दिक्कत है। तो यार अब जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो मेरे को यार थोड़ा सा सीरियस इशू लगा, वो यार हीटिंग प्रॉब्लम है। मतलब हीटिंग प्रॉब्लम था उसके साथ मैं बताता हूँ। जब मैंने पहली बार इनको पेयर किया था तो क्या दिक्कत हुई यार मेरे साथ, पहली बार जब मैंने इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ी, जो भी लिखा हुआ था वो सब किया मैंने, पर सिर्फ मेरे यार लेफ्ट बड पेयर हुई। वो पता नहीं मेरा मोनो मोड में चला गया था या क्या हुआ था, जब एक ही बड पेयर हुई उसके बाद लिखा था या तो फैक्ट्री रिसेट करो या फिर चार्जिंग केस में वापस डालो। मैंने दोनों किया, कुछ नहीं हुआ। फिर यार मैंने बस 5 मिनट के लिए इसको चार्ज किया था, फिर होगी दोनों बड पेयर होगी। फिर जैसे ही मैंने इसको कान में लगाया तो भाई राइट वाली बड वो भयंकर गर्म हो गई थी, पूरी पूरी तरह से हीट हो गई थी पता नहीं क्यों। पर तभी मैंने इसको कान से बाहर निकाल दिया, ज़्यादा गर्म थी। थोड़ी देर बाद लगाया जब नॉर्मल, फिर उसके बाद से जब यूज़ किया जब हीट नहीं हुआ। बस पहली बार पता नहीं क्या हो गया था इसको, पहली बार फर्स्ट टाइम पे राइट वाली बड यार बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। इतनी ज़्यादा गर्म हाथ में फील नहीं हुआ, पर जैसे कान में लगाया तो बहुत ज़्यादा गर्म लगी, तो फिर मैंने तुरंत बाहर निकाली। पर उसके बाद ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। और अब बात कर लेते हैं यार कई लोगों के साथ इशू होते हैं, जैसे कि उनकी बैटरी बहुत ज़्यादा तेज गिरती है और या फिर उनका मैनुअली डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। पर मेरे साथ तो ऐसी कोई मतलब दिक्कत हुई नहीं, तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। इनका यार कॉल कन्वर्सेशन इतना ज़्यादा एज सच क्लियर नहीं है। अपोनेंट तो नहीं मतलब सामने वाला बंदा कंप्लेन करता है कि यार ऑडियो कट कट के आ रही है, थोड़ी सी मतलब क्लियर नहीं आ रही है। तो उसका रीज़न मुझे मैंने नोटिस किया, पता चला मुझे कि वो बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा, ये माइक जो बैकग्राउंड नॉइज़ को ज़्यादा कलेक्ट करता है और फिर इसीलिए ऑडियो मतलब क्लियर नहीं आती, थोड़ी साफ़ आवाज़ नहीं आती, सारी ऑडियो मिक्स हो जाती है। तो कॉल कन्वर्सेशन के लिए मैं कहूँगा इतने ज़्यादा ठीक नहीं है। और यार अब बात कर लेते हैं जो कि यार इसकी जो ऑडिबल रेंज है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी यार, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है इसकी। 5-6 मीटर की एकदम क्लियर ऑडियो आती है। उसके बाद मैं इनके टेस्ट कर रहा था ऑडियो रेंज, तो मुझे लगा चलो 10-1 मीटर तक तो होगी। फिर मैं थोड़ा सा जैसे ही 5-6 मीटर तक चला तब तो थोड़ी मतलब कट के ऑडियो आने लगी, जैसे टीवी पे बैड सिग्नल होता है वैसे आवाज़ आती है ना कट कट के, वैसे आवाज़ आने लगी। फिर मैंने 1-2 कदम और आगे रखे तो फिर एकदम ब्लैंक हो गया, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। फिर उसके बाद मैं पीछे गया तो सुनाई दे रहा है कट कट के, और पीछे गया तब क्लियर सुनाई दे रहा है। तो यार मैं कहना चाहूँगा कि इनकी जो ऑडिबल रेंज है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो यार थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इधर देखने को मिल जाती है, ये टाइप सी का पोर्ट नहीं है, ये है USB 2 माइक्रो USB। टाइप सी होता तो यार खैर अच्छा हो जाता थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, ये तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। अब आएगी मेन डिसअपॉइंटमेंट, वो है इधर। अब पढ़ पा रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, मेड इन PRC, जिसका मतलब इंडिया में नहीं बनी। और कहाँ पे बनी है तो वो मैंने किया गूगल, इसकी फुल फॉर्म जो कि है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। खैर अब क्या ही बोलूँ मैं आगे, और आप लोगों को डिसाइड करना है यार ये कि ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, या आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं। तो बस यार ये थी मेरी इन बोट एडाफोन 71 के बारे में वीडियो और मेरा ओपिनियन। तो बस यार आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार अगर आपको ऐसी कुछ वीडियोस देखनी है। तो बस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।